नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिलीवर्स, फॉलोअर्स, सर्चर्स, रिसर्चर्स, दोज हू बिलीव इन गॉड, इन लॉर्ड. Today you are providing your precious time and presence of your thought and mind. I welcome all Dr. Rakesh from USA. Your presence is praiseworthy, admirable, appreciable, but it will be the most valuable when we will know the truth of the word of God. Dhan Dhan Satguru Mera Yug Yug Jive Satgur Mera Satgur Mera Sada Sada Ne Aaye Na Jaye. Dhan Dhan Satguru Aur Dhan Dhan Satguru Ka Nyara Ram. Dhan Dhan Sant Aur Dhan Dhan Santon Ka Nyara Ram. जिसने जंगल में मंगल कर दिया, कोई इस न्यारे राम को देखे तो पता लगे कि संतों का न्यारा राम क्या क्या काम करता है. बाहर भी धन धन सतगुर, अंदर भी धन धन सतगुर, है भी धन धन सतगुर, होगा भी धन धन सतगुर, आदि भी धन धन सतगुर, युगादि भी धन धन सतगुर. धन धन सतगुरु शब्द स्वरूपी राम, धन धन सतगुरु तेरा न्यारा राम सच है. धन धन सतगुरु तेरा सच्चा सौदा. What does the mean of धन धन सतगुरु? Means thanks giving to God. For every breath, for the every thought of mind and for the heart beat that is running, we should thank the God. Because He Himself is inside us. He is the mentor, operator, monitor, instructor, director, reporter. Everything is He. इस जगह पर सच्चे सौदे में सतगुरु के हुक्म से बाहर गुरु बोलना सख्त मना है. दुनिया अर्थात गुरु की देखो गुरु बनाकर असल शब्द गुरु को छोड़ बैठती है, और जब तक असल शब्द गुरु को न पकड़ा जाए, 84 अर्थात लाख योनियों के चक्कर से छुटकारा नहीं होता. मौत से छुड़वाने वाला गुरु हमारे अंदर है, बाहर नहीं. सब भाई याद रखें कि हर एक का गुरु हर एक के अंदर है. हर एक अपने अपने गुरु को सिमरे और उसको रिझाए या खुश करे. सच्चे सौदे की फकीरी के चार तोहफे या उपहार हैं. पहला, दूसरे फकीर जगह बनाते हैं, यहाँ बनती है और गिरती है. नंबर दो, दूसरे फकीर गाय भैंसें इकट्ठी करते हैं, यहाँ आती हैं और निकलती हैं, अर्थात आती हैं और बांट दी जाती हैं. दूसरे फकीर बगीचे लगाते हैं, यहाँ लगे लगाए निकलते हैं. चौथी बात, दूसरे फकीर रुपए पैसे इकट्ठे करते हैं और यहाँ पैसे बाहर निकलते हैं, अर्थात बांटे जाते हैं. यह सब दुनियावी चीज़ों व माया के बंधनों और ख्यालों से इंसान को निकालने और अंदर वाले सतगुरु और मालिक की तरफ जोड़ने के लिए था. मीन्स दैट होना करने और करवाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है. सच्चे सौदे में होने पे ज़्यादा बल है, जो हो रहा है या जो होता है, जो टेम्परेरी नहीं परमानेंट है. परमानेंट एक्शन जो पढ़ते हैं हम टेंस के अंदर, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस,
सच्चा सौदा की हिदायतें और गाइडेंस। दीनता गरीबी धारण करो, सबसे पहली शिक्षा, पहला लेसन, पहला स्टेप ऑफ टीचिंग दीनता गरीबी धारण करना, टू बी ह्यूमिलिएट। नंबर दो, किसी के दिल को न दुखाओ, डू नॉट हर्ट एनीबॉडीज हर्ट। नंबर तीन, हक हलाल अर्थात नेक ईमानदारी की रोटी खाओ, ओनली बाय डूइंग हार्ड वर्क, ईट ओनली बाय डूइंग हार्ड लेबर, स्ट्राइव हार्ड। अपनी मौत को हर वक्त याद रखो, ऑलवेज लर्न द ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट इज डेथ। मालिक को अपने अंदर तलाश करो, ऑलवेज सर्च द गॉड और लॉर्ड इन साइड द बॉडी एंड ही इज इन साइड द हार्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। गरीबी धारण करो, नेवर बॉस्ट एंड नेवर प्राउड ऑन योर वेल्थ, हेल्थ, वाइसनेस, ऑल आर सुपर नेचुरल, ऑल दीज आर एज पर द विल ऑफ गॉड, ऑलवेज एक्सेप्ट इट। जिसने अहंकार किया वह खाली गया। किसी के दिल को ना दुखाओ, क्योंकि रूहानियत के बारे में दिल खुश करने जैसा कोई पुण्य का काम नहीं, दिल दुखाने जैसा कोई पाप नहीं, दिल मालिक के फेरा पाने का स्थान है। नेक ईमानदारी की कमाई की रोटी अंदर नूर पैदा करती है, अर्थात नेक ईमानदारी से आप स्वयं कमाई हुई रोटी खाकर ही आत्मिक तरक्की संभव है। फिजिकली तो हम हार्ड लेबर करते हैं, लेकिन हमें मेंटली भी करनी है, हार्टली भी करनी है, और सबसे ज़्यादा जिसकी कीमत है वो हमें स्पिरिचुअली करनी है, हमारी सोल के लिए और हमारे इंटरनल गॉड के लिए करनी है। अपनी मौत को हर वक्त याद रखना है, इस जहान से एक दिन जरूर चले जाना है। हमारे बाप दादा भी इस जहान को छोड़कर चले गए, हमको भी जरूर छोड़ना है। अपने मालिक या सतगुरु को अपने शरीर के अंदर तलाश करना है, जो हमारे देह या शरीर में बैठा है वह ही हमारा गुरु है, वह ही हमारा सतगुरु है, वह ही हमारा जिंदा राम है, जो रोम रोम में समाया हुआ है, जो हमारी सांसों में है, जो हमारे ख्यालों में है, जो हमारी हर सोच में है, भावना में है। शब्द, सूरत, चेला, जिंदा राम, गुरु, आत्मा, चेला। इस दुनिया में तीन चीज़ें कीमती तोहफा और अव्वल या प्रधान और सर्वोत्तम हैं। पहली, इस शरीर रूपी मंदिर या काया नगरी में जो सतगुरु सोना है उसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं, बाकी सब हड्डी, खून व मांस का पसारा है। नंबर दो, बेपरवाह देखा तो केवल सतगुरु को देखा, और कोई बेपरवाह इस दुनिया में नहीं मिलता। नंबर तीन, समर्थ देखा तो केवल सतगुरु को देखा, यह सोना या सुंदर बेपरवाह और समर्थ सतगुरु सबके घट में मौजूद है, यह किसी कमाई के बल से नहीं दिखाई देता, केवल मुर्शिद कामिल या पूर्ण सतगुरु की कृपा और दया से दिखाई देता है। परम संत गरीब निवाज होते हैं, जो अपनी निवाजिश या दया से शरीर रूपी घर में सब कुछ बख्श देते हैं। कोई दान, कोई दीन बने तो वह दयाल हो जाता है, रब मिलता गरीबी दावे। जैसे संत रविदास पर कबीर साहब ने निवाजिश की, बल्क बुखारे के बादशाह इब्राहिम अदहम ने भी 12 साल तक कबीर साहब के पास सेवा की, मगर उस पर वह दया न हुई जो नीच जाति वाले संत रविदास पर हुई। परम संतों का न्यारा राम आदमी के अंदर रहता है, जिसका नसीब या भाग्य में हो परम संतों से पूछकर अपने जन्म मरण की फाही मुकाए, इस एक सहारे से ही आत्मा का छुटकारा हो सकता है। बाहर के किसी सूरत
या रूप से छुटकारा नहीं हो सकता। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जल्दी परम संतों से पूछकर अपने छुटकारे का काम करें। देर करने का वक्त नहीं है। जो परम संतों से पूछकर अपने अंदर वाले न्यारे राम को जपेगा, अंदर वाला न्यारा राम उसका काम जरूर करेगा और जन्म मरण या का चक्कर खत्म करेगा। बेअंती या प्रार्थना यही है कि अपने अंदर वाले न्यारे राम का श्वास श्वास सिमरण करो। जिंदगी का लाहा अर्थात ध्येय या लाभ यही है। इसके आगे अंदर वाला न्यारा राम जाने या अंदर आत्मा को जेल में है वह जाने। मनुष्य जीवन का नतीजा और उद्देश्य, प्रथम अपनी मगरूरी मस्ती में ना फिर या अभिमान और लापरवाही में न घूम। मौत शिकारी आठों पहर तेरी तांग या तीव्र इच्छा में रहता है। सो इस मौत शिकारी का इलाज जीते जी कर ले। अगर नहीं करेगा तो जिस वक्त उसके हाथ पड़ेगा तुझे अपने आप पता लगेगा, फिर कुछ न बनेगा, फिर कुछ नहीं बन सकता। अगर जो अभी कर ले तो अच्छा है। परमेश्वर तेरे अंदर शरीर रूपी मंदिर में तेरे साथ रहता है और नकली ईश्वर और नकली गुरु जो ये शरीर हैं उसको मार के अर्थात जीवित रहते उससे निकलकर असली गुरु और असली ईश्वर न्यारे राम और परमेश्वर को मिले तो फिर मौत से बच जाएगा। असली गुरु असली ईश्वर न्यारे राम को अंदर देखना यह मौत से बचना है। कर सके हिम्मत या पराक्रम तो यह तेरा बचाव है, नहीं तो और कोई बचाव नहीं। दूसरा नतीजा कि हम अपने पर चार नाम जेली चोर चमार या पशु वह पशु उतार कर आत्मा से परमात्मा बनने के लिए इस जहान में आए हैं। आखिरी नतीजा यह है कि जितना हो सके आत्मा को अंदर वाले परमेश्वर से लगाना चाहिए। आत्मघाती महापापी नहीं बनना चाहिए। अगर इंसान तू बोले कि इस दुनिया में आकर मैं तीर्थ करूं, जो तीर्थ करे तो अहंकार तेरे साथ बैठा है और उसको हाथ न दो अर्थात अहंकार को अपने तन मन में कोई जगह न दो। अगर तू अहंकार में हाथ देगा तो वह तुमको बोलेगा कि मैं किया तीर्थ तो मैं या अहंकार का दिग तप या गहरा नशा तुम्हारे ऊपर चढ़ा और मैं आ गई। व्रत दान करे मंदिर ठाकुर जो बाहर पूजे तो अहंकार को हाथ ना दे। जो भी हुआ मैंने कुछ ना किया, जो मेरा परमेश्वर मेरे साथ अंदर बैठा है सब कुछ उसी का है, उसी ने किया है। फिर भी एक दिन तेरा बचाव हो जाएगा। कभी ना कभी तेरा दिल बोलेगा मेरे अंदर परमेश्वर बैठा है, उसको देखूं तो सही। जो सब कुछ उसको अर्पण करता जाता हूँ। भजन मंडली ने जिंदे या जीवित रहते राम नाम सत किया है। दूसरों को अर्थी पर चढ़ने के समय राम नाम सत बताया जाएगा। उधर लोग राम नाम सत सुनाएंगे, दूसरी तरफ काल के दूतों के डंडे अंदर पड़ते होंगे और मन थानेदार खड़ा होगा और बोलेगा कि खूब पीटो इसको कि इसने पहले अपने जीवन काल में अंदर वाले न्यारे राम की खोज क्यों ना की। कि जब इसको रूहानी संत पीर फकीर लोग सुनाते थे कि तेरे अंदर तेरा गुरु तेरा परमेश्वर बैठा है, इसकी सजा 84 लाख यूनियों की जेल धर्मराज ने उसके हक में भेज दी है या सजा तय कर दी है, और जो उसको सजा मिलती है उस वक्त वह अंदर किसी तीसरी आंख से देखने में आती है। दूसरी बात यह है कि एक उस इंसान को पता है, दूसरा उसके अंदर मालिक को पता है, तीसरा उसके अंदर दुश्मन काल और मन को पता है, चौथे को पता नहीं। इसको मालिक अंदर छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, दुश्मन इसको मारने की, नरकों में भेजने की, 84 की जेल में भेजने की, ये इन चीज़ों को पता है। तीन कौन से हैं? एक आत्मा,
दूसरा परमात्मा जो उसके साथ बैठा है बेगमपुर में, यह आत्मा गमपुर में बैठी है। तीसरा जो उसके नरकों में भेजने की कोशिश करता है वह है मन और काल भगवान। ये सब इसके शरीर में हैं, ये जिंदे या जीवित रहते मिल सकते हैं अगर ये इंसान कोशिश करे तो। शुक्राना, रविदास एक बड़ा कामिल संत हुआ है।